स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। इस अभियान के तहत हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। इसके लिए बूथ स्तर तक समितियां भी काम करेंगी। मंगलवार को इसी सिलसिले में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में एक बैठक हुई, जिसमें तिरंगा अभियान की कार्य योजना को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि बाढ़ और अन्य आपदाओं में भाजपा संगठन सरकार के साथ बेहतर काम कर रही है। हर घर तिरंगा अभियान देश के अंदर चलाया है, इसमें समाज को सहभागी बनाया है। हर घर तिरंगा फहरे और देशभक्ति का जज्बा पैदा हो, यही हमारा उद्देश्य है। वीडी शर्मा ने कहा कि हर समाज, हर वर्ग, हर घर में तिरंगा अभियान होगा। हर घर तिरंगा अभियान उत्सव के रूप में चलाया जाएगा। 11 अगस्त से इसकी शुरुआत होगी। एक सप्ताह तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान। बैठक में 1.5 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का संकल्प लिया है। पार्टी के सभी सांसद, विधायक, महापौर, ननिया अध्यक्ष, जिला पंचायत, जिला परिषद अध्यक्ष और सरपंच भी हर घर तिरंगा अभियान में योगदान देंगे और सभी के लिए तिरंगे की व्यवस्था होगी। भाजपा संगठन, सरकार और समाज मिलकर ये भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि तिरंगा अभियान के लिए जिला और मंडल स्तर पर समितियां गठित होंगी। राज्य स्तर पर सांसद कविता पाटीदार की अगुवाई में 5 सदस्यीय समिति केशव बदौरिया, मनीषा सिंह, आशुतोष तिवारी, वैभव कुमार पवार की बनी है। जिलों की 7 और 8 अगस्त को बैठक आयोजित होगी। मंडलों की बैठक 9 और 10 अगस्त को होगी। 7 अगस्त को सांसद, विधायक, अध्यक्षों के साथ बैठक होगी और 14 अगस्त भारत विभाजन विभीषिका दिवस है। इस दिन जिला स्तर पर कार्यक्रम होंगे। घरों में 13, 14, 15 अगस्त को तिरंगा दिया जाएगा। बच्चों के हाथ में भी तिरंगा देंगे। प्रदेश के सभी 64,523 बूथों पर तिरंगा पहुंचाया जाएगा। आईटी की टीम हर बूथ पर ऐप पर फोटो अपलोड करेंगे। घर घर में लोग सेल्फी लेकर ऐप पर डालेंगे। सेल्फी विद तिरंगा अभियान चलेगा। सरपंचों से ग्रामीण विकास मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वो करेंगे, लेकिन हमें भी अपने तंत्र में इन बैठकों को वर्चुअली कैसे करना है या प्रत्यक्ष कैसे करना है, इसके बारे में भी हमें एक बार बैठ करके इसके बारे में चर्चा जरूर करें। तो इसलिए इस दिशा में वर्चुअली हमारी बैठकें 8-9 अगस्त को जो ग्रामीण निकाय की है और नगर निकाय की 7 को, ये बैठकें सुनिश्चित है कि 7 तारीख को नगर निकाय की हो जाए और 8-9 में ग्रामीण निकाय की हमारी बैठकें हो जाए। ठीक है, माना कि कल कुछ नहीं होती तो परसों हो जाए, 9 तारीख को ग्रामीण निकाय हो जाए, लेकिन ये बैठकें यहाँ बैठे हुए तंत्र को, इन बैठकों को करना हम सबकी जवाबदारी है। इसी प्रकार से युवा मोर्चे को विशेष प्रकार का जो काम दिया है और युवा मोर्चे के अध्यक्ष इस टीम के सम्माननीय सदस्य है कि 11, 12, 13 अगस्त को प्रत्येक विधानसभा में तिरंगा यात्रा का आयोजन करना है, सम्मान के साथ, ताकत के साथ। प्रभावी भूमिका हमारी पर है कि एक विधानसभा के अंदर युवा मोर्चे का हमारा टीम उस विधानसभा के अंदर तिरंगा यात्रा 11, 12, 13 दिनों में हमें प्रत्येक विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकालने की जरूरत है, उसकी हमारी तैयारी हो, युवा मोर्चा उसकी रचना खड़ी करेगा। लेकिन यहां बैठे हुए तंत्र को कभी कभी हमको क्या लगता है कि हम किसी मोर्चे का कार्यक्रम है तो मोर्चा करेगा, लेकिन ये नौजवान है, उत्साहित है, ताकत है, लेकिन उनकी व्यवस्था बनाने का काम इस टीम को करना है। वो बहुत सक्षम हो सकते हैं, आपको लगता है कि हमारा युवा मोर्चा का अध्यक्ष बहुत सक्षम है, लेकिन चिंता करना, जो इसमें होस्ट कैसे रहेगा इसकी चिंता भी कौन करेगा, उनके साथ बैठक में उपस्थित रह करके रचना बनाना और व्यवस्था के पहलू पर बात करके इसी टीम को 11, 12, 13 को तिरंगा यात्राएं प्रत्येक विधानसभा में सफलतापूर्वक प्रभावशाली बने, ये हम सब लोगों को करने की जरूरत है। इसी प्रकार से संगठन को 12, 13, 14 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानियों और युद्ध स्मारकों पर पुष्पांजलि और माल्यार्पण का कार्यक्रम करेंगे। ये भाव हम समय समय पर लगातार जागृत करते रहे हैं। मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने इस पर फोकस किया है कि हमारे युद्ध स्मारक, जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनको याद करना और श्रद्धांजलि पुष्पांजलि के कार्यक्रम आयोजन करते हुए हम इस दिशा में हर स्थान पर उन स्थानों को आइडेंटिफाई करके